सोसाइटी की अनुशासन पत्रकार करता है। हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और हम लोग 1989 से 2003 उस पीरियड के कार्यकर्ता हैं जब 90 से 92 तक मध्य प्रदेश में आदरणीय पटवा जी की सरकार रही, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और उस कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करी है, सुरक्षा करी है और कांग्रेस के अत्याचार को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है इसके लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत रहे हैं। आपको अगर हमारा संघर्ष देखना है या हम जैसे अन्य लोगों का संघर्ष देखना है तो आप गढ़ी मलेरा महाराज के लिए थानों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम लोगों ने जनता की समस्याओं के लिए कितने बार चक्का जाम किया है। हमारा प्रश्न जो है कि महाराजपुर विधानसभा में आपने ऐसे कौन से काम करे कि भारतीय जनता पार्टी या जनता आपका जो सोचे कि आप उतरेगी विधायक। नमस्कार, जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। तो बुंदेलखंड पर जैसे कि सबका पता है कि चुनावी यात्रा निकल रही है और चुनावी यात्रा महाराजपुर जाने से पहले हमने सोची कि महाराजपुर में जो अभय की समय की स्थिति है वह महाराजपुर की बहुत ही गंभीर है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम नेता महाराजपुर विधानसभा के पछाड़े पर है। और ऐसे ही नेता जो हमारे बीच में है वे हैं मानिक चौरसिया जी, जे भी लगातार महाराजपुर विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी दावेदारी बहुत तेज कर रहे हैं। इनको उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी आ है तो महाराजपुर में आ है और हमारे द्वारा ही आओ चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं तो तमाम बातें अपन का करना है सीधे उन्हीं से बिना समय गवाए। तो चलो उन्हीं के पास और उन्हीं से बातचीत करें और आप सभी का उनसे रूबरू कराएं। सबसे पहले आपको चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे हमारा सबसे पहले प्रश्न जॉय है कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और कौन से ऐसे आधार हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपका महाराजपुर विधानसभा की टिकट दे सकते हैं? आपके अंदर ऐसे कौन कौन से आधार हैं जो अन्य लोगों के अंदर नहीं है और आपका महाराजपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलवाए? देखिए, हम टिकट के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं 2023 में महाराजपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से हम लोग लगे हैं। कांग्रेस से विधानसभा छुड़ाना ही छुड़ाना है। आपको मतलब जो है कि महाराजपुर विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, जैसे कि जो हमने पहले ही बता दो कि आपको उद्देश्य जो ही है, लेकिन आप दावेदारी कर रहे हैं तो आप कौन आधार पे कर रहे हैं कि भैया हमें टिकट मिले हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी जिता लगी? ऐसे आपने कौन से काम महाराजपुर विधानसभा में अभी तक कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी जैसी कोई प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप कोई निश्चित जगह पर जाकर के आप अपनी दावेदारी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते हर व्यक्ति सोचता है कि हमें चुनाव लड़ना है, तो जैसे अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं वैसा प्रयास हम ही कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही। आप प्रयास कर रहे हैं, आप टिकट मांग रहे हैं, बात वही है, चाहे दावेदारी कह लो, चाहे टिकट मांगो कह लो, चाहे अपनी बात रखो कह लो, चाहे अपने भाव व्यक्त करो, बात चाहे जो हो, मुद्दा एक ही है कि चुनाव लड़ने विधानसभा को महाराजपुर विधानसभा से। हमारा प्रश्न जो है कि महाराजपुर विधानसभा में आपने ऐसे कौन से काम करे कि भारतीय जनता पार्टी या जनता आपका जो सोचे कि आप उतरेगी विधायक बने? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन बद्ध कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और हम लोग 1989 से 2003 उस पीरियड के कार्यकर्ता हैं जब 90 से 92 तक मध्य प्रदेश में आदरणीय पटवा जी की सरकार रही, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और उस कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करी है, सुरक्षा करी है और कांग्रेस के अत्याचार को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है इसके लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत रहे हैं। आपको अगर हमारा संघर्ष देखना है या हम जैसे अन्य लोगों का संघर्ष देखना है तो आप गढ़ी मलेरा महाराजपुर के थानों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम लोगों ने जनता की समस्याओं के लिए कितने बार चक्का जाम किया है, कितने बार बाजार बंद किया है। उस समय लाइट देखने को नहीं मिलती थी, 24 घंटे में 2 और 3 घंटे लाइट आती थी। हम लोगों ने उस समय बहुत संघर्ष किया है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष फंसा दिया करते थे, उसके मुद्दे पर हम लोगों ने काफ़ी बार विरोध किया है। बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उन सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े रहे।
आपने अभी तक बात करी केवल भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की। आपने बात करी कि आप जौन समय में 2003 के समय की आपने बात करी कि उस समय आप कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे, कांग्रेस से लड़े हो। चुनाव जो है वो जनता को चुनाव हो और जनता अपनो विधायक चुनत, जनता अपनो प्रतिनिधि चुनत और जनता ही चुनाव जितात है, ना तो कार्यकर्ता चुनाव जितात और ना भारतीय जनता पार्टी। हमारा प्रश्न आपसे जो है कि आप किन आधारन पे जनता के बीच हो, का ऐसे काम आपने जनता के बीच में अभी तक करे हैं कि आप ये आधार पे जाके उनसे वोट मांग सकते। देखिए, जनता के बीच में हम लोग सतत रूप से लगे हुए हैं। जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार की और आदरणीय मोदी सरकार की योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ा है, उनको लाभ दिलवाया है। और इस समय अभी जब कोविड काल आया था, जिस समय लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, उस समय हम लोगों ने कोविड काल में सैकड़ों मरीजों का उपचार करवाया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोगों को उपलब्ध कराए हैं, ऑक्सोमीटर थर्मोमीटर उपलब्ध कराए हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, कच्चा पक्का राशन उपलब्ध कराया है और इन परिस्थिति में उपलब्ध करवाया है कि हम लोगों ने कभी फोटो सेशन नहीं किया, कभी इसके वीडियो नहीं बनाए। लोगों की मदद करी है, घर घर जाकर के मदद करी है, गरीबी लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं और अन्य प्रकार की जो योजनाओं से लोग वंचित रह गए थे उनको लाभ दिलाने का काम किया है। और आपको कहने के लिए मैं अगर बता दूं कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का जो महाराजपुर नगर है, अगर आपको मेरे कर्म के बारे में जानना हो, मेरे संघर्ष के बारे में जानना हो, जब आप महाराजपुर क्षेत्र में जाएंगे तब आप जब चर्चा करेंगे तो लोग आपको खुद बताएंगे कि हम लोगों ने कितने स्वच्छ तरीके से राजनीति करी है। हम लोगों ने कभी लेन देन की राजनीति नहीं करी, कभी हम लोगों ने स्वयं के लाभ के लिए राजनीति नहीं करी। हम लोगों ने समाज सेवा और राजनीति और धार्मिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करे हैं। आपको बताएं सनातन धर्म के लिए हम लोगों ने कितने काम किए हैं। यदि आप 1990-92 की स्थिति में जाएंगे तो महाराजपुर में सबसे पहले हम लोगों ने महाशिवरात्रि पर बड़े बड़े आयोजन करवाने का काम प्रारंभ किया था। हम लोगों ने कृष्ण भगवान के जन्म दिन पर नगर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन सबसे पहले हम लोगों ने ही चालू कराया था, जो आज चलता चला आ रहा है। बहनों से राखी बांधवाने का काम सामूहिक रूप से सबसे पहले हम लोगों ने चालू करवाया था। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो हर चीज़ यहाँ नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि काम करने वाले का उद्देश्य होता है काम करना, उसका बखान करना काम हमारा नहीं है, वो जनता करेगी, वो क्षेत्र करेगा। आपने बात करी कि चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री योजनाएं हो, आपने जनता तक पहुंचाने को काम करना है। चूंकि अभय महाराजपुर में विधायक कांग्रेस के हैं, तो जब उनसे जय प्रश्न करो जाए कि आपने कहा विकास करो, तो बेबी जय बातें कर कि चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री योजनाएं हो, हमने जनता तक पहुंचाने को काम करो। तो जनता तक योजनाएं पहुंची उनको श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है कि कांग्रेस की पार्टी को? नहीं, कांग्रेस के विधायक से आप ये पूछना कि उनने अपनी कौन सी योजना दी है, कमलनाथ जी ऐसी कौन सी योजना लाए सवा साल में, डेढ़ साल के शासन में, जिसका जनता को लाभ मिला हो। क्या किसी बेरोजगार व्यक्ति को उन्होंने भत्ता दिया? क्या किसी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया? या कोई अस्पताल बुलाए? महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अस्पतालों का उन्नयन हुआ है उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था। हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे यहाँ के अस्पतालों का अपग्रेडेशन होना चाहिए, उसमें कांग्रेस का कहीं रोल नहीं है। कांग्रेस के विधायक बताएं शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया उनके द्वारा, कुछ नहीं किया गया है। मतलब अभी तक के 5 साल के उनके कार्यकाल में कोई भी काम ऐसा नहीं करो। अच्छा चलो, जो प्रश्न हटाओ, अपन बात कर रहे महाराजपुर विधानसभा में ऐसी कौन सी अभी तक समस्या है जो आपको लगी है कि ना तो कांग्रेस की पार्टी सुधार कर सके, ना भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता या अन्य विधायक सुधार सके, जो केवल आपके द्वारा सुधारी जा सके? तो ऐसी आपको कौन सी समस्या लग रही जो जनता का बहुत परेशान कर रही? देखिए, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा है, विकास के बहुत काम हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह दें कि नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं है जहाँ कोई काम ना बचा हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे क्षेत्र में जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास होगा वो होगा टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में। हमारा गढ़ी मलेरा महाराजपुर का क्षेत्र और हरपालपुर का क्षेत्र भी बहुत दूर है, तो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ काम होने की ज़रूरत है। दूसरा, वहाँ खेतों तक सिंचाई का पानी पहुँचे, नहरों का पानी खेतों तक पहुँच जाए, उस दिशा में काम करने की जरूरत है।
तीसरा अभी जो नल जल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आई है जल जीवन मिशन के द्वारा, उसका काम बहुत तेज गति से करने की जरूरत है ताकि घरों में स्वच्छ पानी लोगों के पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो सार्वजनिक समस्या है वो हरपालपुर नगर में पेयजल की समस्या है। हरपालपुर में आप देखिए 2 से 3 करोड़ रुपए का चपरण परियोजना थी जिसका पानी नलों तक नहीं पहुंच रहा है, पाइप फटती जा रही हैं, पाइप बीच से डैमेज हो रही हैं। इसकी आप दिशा में या इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के द्वारा जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। काफ़ी इंजीनियर यदि उसकी सही तरीके से जांच हो जाएगी तो नगर पालिका हरपालपुर के इंजीनियर और कुछ नेता जेल जाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो हरपालपुर में कसम करके आए थे कि हरपालपुर के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ, ऐसा वहाँ की जनप्रतिनिधियों ने कसम खाई थी, आप पता लगा लेना। और उन लोगों ने उसमें कितना भ्रष्टाचार किया है, ये कांग्रेस के ही लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने ऐसी कसम खाई थी कि आपको पानी नहीं मिलेगा और आज विकास की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये कसम खाई थी कि हरपालपुर के नगर के लोगों को वो पानी देंगे, उन्होंने अपने पिता की कसम खाई थी। अच्छा। और उसी में भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने, वो भी पैसा खा गए। अभी आप कह रही थी कि विधायक जी ने क्या किया, मैं ये कहूंगा कि विधायक जी को जो विधायक निधि मिलती है उसके अतिरिक्त वो कौन सा पैसा सेंसन करा करके लाए, उसके अतिरिक्त अगर वो कोई पैसा लाए हो, कोई उनने बड़ी योजना बनाई हो, कोई बड़ा उनने टेंडर निकलवाया हो, कोई बहुत बड़ा उद्योग वो यहाँ अपने क्षेत्र में लाए हो तो बताएं, उन्होंने या इसके लिए कोई संघर्ष किया हो तो बताएं। आज तो वो किसान संघर्ष के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। आपको मेरा ऐसा सोचना है कि जब आदमी विधायक बन जाता है, जनप्रतिनिधियों में विधायक बहुत बड़ा पद होता है, तो विधायक यदि पढ़ा लिखा होगा, योग्य होगा, तो वो अच्छी योजनाएं बनाएगा, राज शासन के सामने रखेगा, राज्य के मंत्रियों के सामने रखेगा, मुख्यमंत्रियों के सामने रखेगा, राज्य के प्रमुख अधिकारियों के सामने रखेगा, अच्छी योजना लाएगा अपने क्षेत्र के लिए। तो जब आपका जब काम करने का समय था तब आपने काम किया नहीं, अब जब चुनाव सर पे आ गए हैं तो आप यात्रा पे निकल गए हो, तो यात्राओं से थोड़ी ना विकास होता है। आपको अगर किसानों के लिए कुछ करना था तो आपको उसके पहले करना चाहिए था, उनके लिए कुछ योजना लाते, आपने कुछ किया ही नहीं है काम। कुल मिला के बात जा है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कोनो काम महाराष्ट्र विधानसभा में अभी तक नहीं कर पाए है। दूसरी बात हम आपसे जो प्रश्न है, चूंकि जब बात तो हो गई कांग्रेस की और आने वाले वर्तमान जो चुनाव आने वाले हैं भविष्य में नवंबर में उनकी, हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता हैं जो लगे भय हैं कि हमें चुनाव लड़ने हैं, हमें दावेदारी करने हैं, हमें टिकट मिलो चाहिए, अगर आपका ना मिलकर कोई और व्यक्ति का चुनाव लड़ने के लाने टिकट मिल रही तो क्या आप उसको समर्थन कर हो, या फिर आपने जो ठान के रखी कि आप चुनाव लड़के रहे? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता हैं। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने इससे कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें इस चीज से मतलब है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े तो आप उनको समर्थन करो? बिल्कुल। एक वो आखिरी प्रश्न आपसे जो रहे, चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है जो एक पिछड़ो क्षेत्र है, जो आपका भी पता है कि बुंदेलखंड में कोनो भी प्रकार को विकास नहीं है, ना कोनो ऐसी फैक्ट्री है, ना मतलब कुल मिला के पिछड़ो क्षेत्र का हो जाता है बुंदेलखंड का, तो लोगों की मुहिम रहा था कि बुंदेलखंड एक पृथक राज्य बनो चाहिए, और बुंदेलखंड पृथक राज्य बनो चाहिए इनमें आपकी क्या राय है, अगर बनो चाहिए तो कहे और ना बनो चाहिए तो कहे? देखिए आपका जो प्रश्न है वो बहुत जटिल है। बुंदेलखंड राज्य बने हम भी चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड राज्य मध्य प्रदेश के भूभाग को लेकर के बने हैं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हमारे मध्य प्रदेश में शामिल ना किया गया। ऐसा क्यों, क्या कारण? देखिए वहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है, हम लोग अपने कल्चर के साथ बुंदेलखंड राज्य के रूप में जाना चाहते हैं, यूपी के कल्चर को हम लोग यहाँ शामिल करके नहीं जाना चाहते। वहाँ जातवाद का विवाद है, क्षेत्रवाद का विवाद रहता है, हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो शांति का टापू है मध्य प्रदेश, भले ही हम बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन हम लोग शांति से अपना जीवन तो गुजार रहे हैं, तो यदि बुंदेलखंड अलग बनता भी है तो मध्य प्रदेश के भूभाग को लेकर ही बने।
तो कुल मिलाकर मैंने बहुत सारी बातचीतें करी है, चुनाव का लेके करी है, आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें लगातार तैयारी में है, दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने का काम करे, तमाम ऐसे सवाल और बातचीत भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में लेके आउट रहे, भी बने रही हो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।